हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। आज की इस वीडियो में हम फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के नोट्स एंड लेसिंग्स के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ नोट्स या फिर बाउलिन नोट के बारे में लिखिए, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो देखते हैं। नोट्स फॉर रोप एंड और फॉर ग्रिप्स ऑन थिन रोप, यानी सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नोट्स फॉर द रोप एंड, यानी किसी भी रस्सी के आखिरी में लगाए जाने वाली गांठ, और फॉर ग्रिप्स ऑन थिन रोप, अगर रस्सी पतली है तो उस पर ग्रिप किस तरीके से बनाई जाए, उसके लिए किस तरीके की नोट्स बांधनी चाहिए। ओके, अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अगर मैं बताऊं तो आप सब जानते हो हम फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट में मोस्टली वो चीजें पढ़ते हैं जो सेना में एक युद्ध के दौरान काम आने वाली चीजें होती है, जो एक बैटल यानी युद्ध के दौरान, फील्ड क्राफ्ट यानी जो जमीनी स्तर पर जब युद्ध हो रहा होता है उस टाइम फील्ड पे, बैटल फील्ड पे काम आने वाली चीजें पढ़ते हैं। तो नोट्स यानी गांठे और लेसिंग्स होते हैं बंधन, ये पढ़ने क्यों जरूरी है, जैसा कि आप मूवीज में भी देखते होंगे, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कई सारी जगह, एक इन्फेंट्री यूनिट के या किसी भी फायर यूनिट के या किसी भी फौजी दस्ते के सामने कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कहीं आपको नाला क्रॉस करना है, कहीं आपको नदी क्रॉस करनी है, कहीं आपको एक दूसरे को बांधना है। ओके, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत तेज हवा बह रही है या बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई, उस समय पे आप एक दूसरे पे ग्रिप बनाने के लिए एक दूसरे को रस्सी से बांध सकते हैं, रस्सी से अटका सकते हैं। आपने कई बार सियाचिन ग्लेशियर के कुछ एक फोटोज देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा हर एक ट्रूप एक दूसरे ट्रूप के साथ, हर एक सोल्जर एक दूसरे सोल्जर के साथ बंधा रहता है, कि इफ इन केस कोई क्रेविसेज में या कहीं पे भी कोई मिसहैप हो जाए, कोई कहीं गिर जाए, किसी का पैर फिसल जाए, तो उसको ज्यादा चोट ना आए, उसकी जान पे ना बनाए, उससे पहले या तो वो हम सब रोक ले या वो ज्यादा दूर तक फिसलता ना जाए। तो रस्सी के कई सारे अलग अलग उपयोग हैं, बैटल फील्ड में भी और सेना में नहीं बल्कि हमारे रेगुलर लाइफ में भी रस्सी के कई सारे उपयोग है, इसीलिए हमें कुछ एक रस्सी की गांठे और बंधन पढ़ने होते हैं। ये बेसिकली आपको बस एक ओवरव्यू देगा, कोई ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं थंब नोट, जिसको कहते हैं अंगूठा गांठ भी। ओके, रस्सी के अंत पर बनाया जाता है ताकि रस्सी पर फिसलन को रोका जा सके और रस्सी को खराब होने से बचाया जा सके। ओके, सेम चीज इंग्लिश में लिखी है, टू मेक अ स्टॉप ऑन द रोप एंड, कि रस्सी के आखिरी में एक रुकावट पैदा करने के लिए, रुकावट बनाने के लिए, टू प्रिवेंट द एंड फ्रॉम फ्रेइंग, कई बार आप देखते हो रस्सी में या कोई भी धागे में आखिरी में से कई सारे रेशे निकल आते हैं जिससे वो खराब सा हो जाता है। ओके, वहीं से वो फिर खराब होना शुरू हो जाता है, तो अगर हम रस्सी में आखिरी में गांठ लगा देते हैं तो वो रेशे से नहीं निकलते और हमारी रस्सी खराब नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेइंग। और टू स्टॉप रोप फ्रॉम रोप स्लिपिंग थ्रू अ सीव, यानी किसी भी पुली के ऊपर या कहीं पे भी हमने बांध रखा है ताकि वो स्लिप ना हो जाए, इसलिए हम अंगूठा गांठ लगाते हैं, ये है अंगूठा गांठ। ओके, आई होप आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं अंगूठा गांठ। ओके, सिंपल सी नोट है जो हम रेगुलर डे टू डे बेसिस पे भी यूज करते हैं। उसके बाद आती ओवरहेड नोट, ओवरहेड गांठ अंगूठा गांठ के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बेहतर पकड़ बनाता है और इसको खोलना आसान है। ओके, इसको बोलते हैं ओवरहेड गांठ। ओके, देख रहे हो आप, एक के ऊपर एक लपेट के बनाई गई है, यानी कई सारी बार थंब नोट को रिपीट किया गया है, उससे क्या बना है, ओवरहेड नोट। ओके, इसको हैंड कर लीजिएगा, HND। ओवरहेड नोट मे बी पुट टू द सेम यूज एज द थंब नोट, थंब नोट के जैसा ही काम ओवरहैंड नोट का भी होता है, इट मेक्स अ बेटर ग्रिप नोट एंड इज इजी टू अंडू, यानी इससे ग्रिप ज्यादा मिलती है और इसको खोलने में आसानी होती है, ये ओवरहैंड नोट की खास बात है। फिगर एट बड़ी कॉमन नोट है, इसका इस्तेमाल थंब नोट की तरह ही किया जाता है, इसको खोलना आसान है। ओके, इसको बोलते हैं फिगर एट नोट, थोड़ी सी इनके मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज बहुत मतलब थंब नोट के जैसा ही काम करती है, बहुत मजबूत पकड़ बनाती है। दिस नोट इज ऑल्सो यूज एज थंब नोट की जगह इसको प्रयोग किया जा सकता है, इट इज इजी टू अंडू, इसको खोलना आसान है, एंड मोर ऑर्नामेंटल। ओके, आगे देखते हैं,
नोट्स फॉर ज्वाइनिंग रोप्स, अगर दो अलग अलग रस्सी है वो तो हमने पढ़ा कि एक ही रस्सी पे हमें जब भी ग्रिप बनानी हो या आखिरी में गांठ लगानी तो किस तरीके। अब अगर हमें हमारे पास दो रस्सियां हैं और उन दोनों को जोड़ना है तो कौन कौन सी गांठ होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं रीफ नोट। दो समान मोटाई की रस्सियों को आपस में सुरक्षित रूप से बांधने के लिए किया जाता है, इसको बोलते हैं रीफ नोट। ओके, ये एक रस्सी है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ओके, और ये दूसरी रस्सी है, यहां से आई, ये यहां से आई। ओके, ये दो अलग अलग रस्सियों को जोड़ने के लिए है। टू सिक्योरली जॉइन टू रोप्स ऑफ इक्वल थिकनेस, बराबर मोटाई की दो रस्सियों को जोड़ने के लिए, नोटिस द डिफरेंस इन पोजिशन ऑफ फ्री एंड स्टैंडिंग एंड्स एंड स्टैंडिंग एंड्स बिटवीन दिस एंड द थीफ नोट। वो चलो थीफ नोट पढ़ेंगे तब देखेंगे। देखो थीफ नोट क्या होता है, दो समान मोटाई की रस्सियों को आपस में इस तरह बांधा जाए कि वो रीफ नोट की तरह बंधी हुई नजर आए और उनको दोबारा से सही रीफ नोट की तरह बांधा जा सके। इसके उपयोग ज्यादातर नाविक से चेस्ट को बांधने के लिए करते हैं। ओके, यानी बेसिकली सेलर इसको अपने अपने चेस्ट पे बांधने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब शिप समंदर में होता तो बहुत सारे वेव्स होती हैं और उस समय जो बाहर ड्यूटी दे रहा होता है तो चांसेस होते हैं कि वो कहीं समंदर में गिर ना जाए और पता ना लगे, तो इसलिए वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। टू टाई टू रोप्स ऑफ इक्वल थिकनेस टूगेदर सो दैट दे विल अपीयर टू बी टाइड विद रीफ नोट एंड विल बी रीटाइड विद ट्रू रीफ नोट। दिस नोट वॉज ऑफन यूज बाई सेलर टू टाई देयर सी चेस्ट, हेंस द नेम। ओके, अब देखते हैं इसका मतलब क्या है पूरी की पूरी टर्म का। हमने इधर से हिंदी में हमें समझ आ गया कि दो बराबर मोटाई की रस्सियों को एक दूसरे से बांधने के लिए रीफ नोट का प्रयोग किया जाता है। देखो रीफ नोट में और थीफ नोट में ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, थीफ नोट का भी वही काम है जो रीफ नोट का काम है, दो बराबर मोटाई की रस्सियों को आपस में बांधना। लेकिन रीफ नोट में तो क्या था, हम बस दोनों रस्सियों को बांध दिया और एक लंबी रस्सी बन गई। इसमें क्या होता है, थीफ नोट में हम दोनों रस्सियों को बांधने के बाद जो दो सिरे हैं, ओके, सपोज जो रीफ नोट में ये सिरा था और ये सिरा था, इससे हम एक और रीफ नोट बना सकते हैं अगर हम थीफ नोट के हिसाब से रस्सियों को बांधे तो। एक चीज आप देख सकते हो, रीफ नोट में दोनों एंड एक तरफ है, ओके, रस्सी की एक तरफ है, वेयर एज थीफ नोट में दोनों एंड रस्सी के अपोजिट तरफ है, यानी एक रस्सी इधर गई एक रस्सी इधर गई। इस रस्सी को मैं इस तरफ लेके आ सकता हूँ, इस रस्सी को मैं उस तरफ लेके जा सकता हूँ। तो इस तरीके से थीफ नोट के जो लूज एंड हैं, जो खुले एंड हैं, उनसे हम नई रीफ नोट तैयार कर सकते हैं। ये खास बात होती है किसकी, थीफ नोट की। उसके बाद आते हैं फिशरमैन नोट। इसका इस्तेमाल दो स्प्रिंग की तरह रोप या वायर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें हर एक रोप या वायर पर एक एक थंब नोट लगाकर खींचा जाता है। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देख रहे हो, एक ये रस्सी है, इस पे एक नॉर्मल थंब नोट लगाई है, उसी के लूप में से एक और रस्सी निकाल के उसके ऊपर एक और थंब नोट लगा दी। अब ये दोनों एक साथ जुड़ गई हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, काम यार, ओके, इसको क्या बोलते हैं, फिशरमैन नोट। फॉर ज्वाइनिंग टू स्प्रिंगी मटीरियल्स, यानी जो दो स्प्रिंग जैसे मटीरियल को जोड़ने के लिए, सुटेबल फॉर वायर तार को जोड़ने के लिए, फिशिंग गट और वाइंस, टू थंब नोट्स वन ऑन ईच रोप पुल्ड टाइट द नोट लॉक टुगेदर। ओके, हमने वही चीज अभी हिंदी में डिस्कस की है, उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। नोट्स टू मेक लूप्स इन रोप, अगर आपको लूप बनाना है रोप में तो किस तरीके से, जैसे कि जिसको इसको क्या बोलते हैं हम, हैंगमैन नोट्स भी बोलते हैं, यानी जिससे फांसी का फंदा होता है उस तरीके की नोट्स भी ये होती है। बाउलिंग, ऐसा लूप बनाना जो कि रोप एंड पर स्लिप ना हो। ओके, टू फॉर्म अ लूप दैट विल नॉट स्लिप ऑन रोप एंड, उस गांठ को क्या बोलते हैं, बाउलिंग। क्लोव हिच, खूंटे में रस्सी बांधने के लिए ये उपयोगी है, टेंट बांधने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, इसको बोलते हैं क्लोव हिच। ओके, आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से ये ग्रिप्ड है। ओके, इनको लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, नोट्स को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको किसी वीडियो में बताऊं कि रस्सियों को कैसे जोड़ा जाता है,
तो या किस तरीके से गांठ लगाई जाती है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर सिक्योरिंग रो टू एज पार दिस हिच इफ पुल टाइट विल नॉट स्लिप अप और डाउन ऑन स्मूथ सरफेस। ए यूजफुल स्टार्ट फॉर लेसिंग, गठबंधन के लिए अच्छा स्टार्ट है। इस नोट को किसी भी, अगर आप फिसलन भरे सरफेस पे भी बांध दोगे, तो इसका ना ऊपर वाला एंड ना नीचे वाला एंड कभी भी स्लिप नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं लेसिंग्स। लेसिंग्स किसको बोलते हैं? द मेथड एम्प्लॉयड टू टाई विद रोप्स, पोल्स और एनी रोप टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू सिक्योरली होल्ड इट इन प्लेस इज नोन एज लेसिंग। यानी द मेथड एम्प्लॉयड टू टाई विद रोप्स, रस्सियों के साथ, पोल के साथ और एनी रोप टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी रस्सी को पोल के साथ या किसी भी एक पोल को किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ, यानी किसी भी दो स्टेशनरी बोलते हैं जो एक जगह ठहरा हुआ है, दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रस्सी की मदद से बांधना, उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन। जैसे कि सपोज, कहाँ मेरा कर्सर? ओके, ये पहले से गड़ा हुआ खूंटा है। ओके, कोई गड़ा हुआ पोल है, ये हमारे पास एक और पोल है, इसको हमने इसके साथ बांधना। सिमिलर मैनर में, सॉरी, ये पहले से गड़ा हुआ पोल है और ये हम इसके ऊपर बांध रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? गठबंधन। ओके, स्क्वायर लेसिंग, स्क्वायर गठबंधन। टू जॉइन पोल्स एट राइट एंगल, जब भी आपको पोल को एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री के कोण पे जोड़ना होता है, तो उस समय स्क्वायर लेसिंग का प्रयोग करते हैं। और फ्रैपिंग टर्न्स, दीज आर टर्न्स दैट गो राउंड द लेसिंग एंड पुल इट टाइट। फ्रैपिंग टर्न्स किनको बोलते हैं? जो ये घुमावदार रस्सियों के घुमाव आ रहे हैं, ये घुमाव आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? फ्रैपिंग टर्न्स। ओके, ये आपको थोड़ी सी टर्म बस याद रखनी है, आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। जो सबसे मेन है वो है एग्जाम्पल्स, आपको पता होना चाहिए कि नोट्स किस किस प्रकार की होती हैं। ओके, दो अलग अलग रस्सियों को जोड़ने के लिए कौन कौन सी नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, सो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इनका एक लाइव डेमो में आपको बताऊं कि किस तरीके से अलग अलग गांठ लगाई जाती है अलग अलग रस्सियों से, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनके बारे में भी वीडियो बना सकता हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।